हेलो दोस्तों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जिनके पास भी जनधन खाते हैं उनके खातों में आएंगे 1000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये सेवा सरकार सभी लोगों को देने जा रही है, लेकिन इसके लिए कौन कौन योग्य है उसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अंत तक बिना काटे पूरा देखना, ताकि ये सभी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए और आप भी 1000 रुपये का लाभ सीधे सीधे अपने खाते में पा सके। तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहाँ से सब्सक्राइब कर ले चैनल को। उसके ही बगल में एक बेल आइकन का निशान दिख रहा होगा, वहाँ से हमारे चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो डालूंगा सबसे पहले पहुँच जाएगी आपके पास। साथ ही वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन दिख रहा होगा, जहाँ से हमारे चैनल को जो वीडियो को है शेयर कर दे अपने यार दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके। शेयर कर दे वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप सभी जगह। तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं सरकार जनधन योजना का लाभ किस प्रकार दे रही है, उसके लिए हमें एक अलग से वीडियो आपको इसी में दिखाएंगे, जहाँ से आप उस वेबसाइट के माध्यम पर जाकर आप 1000 रुपये का लाभ ले सकते हैं। और वहाँ पर आपको सारी सारी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से जनधन योजना का लाभ आने वाले समय भी आप किस प्रकार से उठा सकते हैं, क्योंकि आपको ढेर सारे लाभ इस योजना के तहत मिलते हैं। तो दोस्तों, चलो आपको बताते हैं जनधन योजना के पूरे पूरे लाभ। तो चलो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आप जनधन योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर दिख रहा होगा, इस क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जो क्रोम ब्राउजर हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, सभी के मोबाइल में ये होता है। तो दोस्तों, क्रोम ब्राउजर ओपन करते ही, जैसे कि हमने इस पर क्लिक करके क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद में ये हमारा खोल दिया है हमने गूगल देवता। तो गूगल में हम जो डालेंगे आपको वही वेबसाइट टाइप करनी है। गूगल में हम डालेंगे www.thedlnews.com। तो दोस्तों, ये वेबसाइट हम आपको बता रहे हैं www.thedlnews.com, इसी वेबसाइट को ओपन करना है, यहीं पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, 1000 रुपये पाने के लिए इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं जनधन खातों में 1000 रुपये आ रहे हैं, ये देखो सबसे ऊपर दिख रहा है। अगर यहाँ पर आपके ब्लॉग नहीं दिखे तो हम आपको बताना चाहते हैं ताज़ा खबरें का एक ऑप्शन आएगा इसके नीचे ही, ताज़ा खबरें। तो ताज़ा खबरें में जाकर आप इस वीडियो को जो ये ब्लॉग है उसको देख सकते हैं, वहीं पर आपको सारी सारी जानकारी मिल जाएगी। ताज़ा खबरें के ऑप्शन पर जाए, जैसे कि ये और पढ़े में भी आ रहा है कि जनधन खाते में 1000 रुपये आ रहे हैं। और इस वेबसाइट पर आपको ढेरों सारी जानकारी ताज़ा खबरें मिलती रहती है, इसलिए वेबसाइट को भी आप एक बार जरूर चेक कर लेना, आपको कहीं ना कहीं ये हमारा ब्लॉग मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं इस ब्लॉग को खोलते हैं कि खातों में आ रहे हैं 1000 रुपये, इस पर ही आपको सारी सारी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, क्लिक करने के बाद में अब ये हमारा ब्लॉग खुल चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा जनधन योजना के तहत खातों में आएंगे 1000 रुपये, जान लो कैसे। तो दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है सरकार जनधन योजना के तहत खातों में आपको सीधे लाभ देने जा रही है। लाभ देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जान लो। दोस्तों, जो भी व्यक्ति जनधन खाता खुलवाता है या जिसका पहले से ही खाता खुला हुआ है, उनको 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल कवर बीमा मिलता है, ये सुविधा बैंक देती है। इसमें लिखा हुआ है इसके तहत अगर खाताधारक का एक्सीडेंट हो जाता है तो 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जनरल इंश्योरेंस दिया जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर ऐसे में सीधा एक्सीडेंट होता है तो 30,000 रुपये मिलते हैं, अगर उसकी मौत हो जाती है तो 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। लेकिन साल 2021 में ये बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है और अब 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल कवर मिलता है। इसमें आपको 6 महीने के अंदर 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सीमा भी मिलती है सभी जनधन खातों पर। यानी कि आपके खाते में 1 रुपये भी नहीं पड़ा है तो आप 10,000 रुपये का लोन कभी भी जनधन खाते से ले सकते हो। तो ये इतनी बड़ी सुविधा भी सरकार देती है। दूसरी, इसमें रुपये डेबिट कार्ड की सुविधा मिलती है, जिसके तहत आप उससे शॉपिंग कर सकते हो किसी भी मॉल या किसी भी दुकान से। तो ये डेबिट कार्ड की सुविधा भी जनधन खाते में मिल रही है। सबसे अच्छा फायदा है, कोई भी सरकारी योजना है, चाहे सरकारी किसान योजना हो या फिर जैसे कि जनधन खाते में लॉकडाउन में 500 से लेकर 1000 रुपये डाले थे, वो सीधे आपके खाते में पहुँच जाते हैं। तो सरकारी योजना का कोई भी रुपया हो सीधे जनधन खाते में पहुँच जाता है, ये भी सबसे बड़ा लाभ सरकार दे रही है। लेकिन इसके लिए हम आपको अलग से बताना चाहते हैं कि अगर आपने जनधन खाते को आधार कार्ड से नहीं जुड़वाया है, तुरंत बैंक में जाकर जनधन कार्ड की KYC करवा ले अपने आधार कार्ड से, तभी जाकर सरकारी योजना का लाभ सीधे आपके खाते में आता है। इसके तहत देश भर में आप कहीं पर भी रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये भी लाभ मिलता है। इस योजना के तहत आपको सीधे इंश्योरेंस और पेंशन की योजना का भी लाभ आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, अब रही 1000 रुपये की बात। तो दोस्तों, 1000 रुपये की बात जो सरकार ने की है वो है पेंशन योजना की। यानी कि दोस्तों, अगर आप पेंशन लेना चाहते हो तो इस खाते से सीधे पेंशन मिलती है आपको 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पेंशन योजना के आवेदन नहीं किया है तो तुरंत जनधन खाते के द्वारा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक में जाकर पेंशन योजना का फॉर्म भर दे और आपको 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति माह आपके खाते में आने लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी वो सबसे बड़ी जो स्कीम है जनधन योजना में 1000 रुपये आने वाले हैं पेंशन योजना के तहत। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि ये सभी लोगों तक पहुँचे और वो भी जनधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ जरूर उठाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।